गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेवल्स की क्विकली बात करेंगे आज। माफी चाहूंगा गाइस, शाम को थोड़ा सा बिजी हूं तो मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं ये वीडियो जल्दी से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। अभी टाइम हो रहा है 6:20, 6:21, और हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फॉर 16th of September। दिन रहेगा फ्राइडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहता है फ्राइडे बिकॉज वीक की क्लोजिंग होती है, और डिस्कशन करेंगे किस लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हो। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर हमारी जो लेवल्स दिए थे। आज मार्केट मोर और लेस रेड होनी थी, प्रॉफिट बुकिंग जो है आनी थी, और मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद में मार्केट ने एक ऐसे लेवल के ऊपर से ब्रेकडाउन दिया जो बहुत अच्छा लेवल था। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ तो गया, लेकिन निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने उसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली हमारे उसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया 18,087 के लेवल से। ये लेवल बहुत क्रूशल है, इसके ऊपर जब तक हमें दो डेली की या कोई एक वीकली, कल फ्राइडे की कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोज जाती है तो बात बन जाएगी। लेकिन मार्केट ने ही हमारे इस लेवल पर अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो पहला टारगेट दूसरा टारगेट दोनों आया और मार्केट ने एक रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी ने एक गैप अप ओपन भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई दिया। सुबह हमने एक जीरो हीरो ट्रेड किया था 40,800 का एक्सपायरी का, सुबह सुबह ही किया था, और उसके बाद वो 17 रुपये से 75 तक गया, तो सुबह सुबह ही काम हो गया था काफ़ी लोगों का, तो ओवर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। उसका भी लॉजिक बता देता हूँ गाइस। पहली बात तो दो लॉजिक थे उसके। सबसे पहला लॉजिक क्या था उसकी अगर हम बात करें, वो था हमारा सी डी जोन। ये इंडिकेटर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, सी डी हाई एंड लो, तो ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन थी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इवनिंग स्टार, उसका लो जब टूटा मार्केट को नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ आना ही था, तो मार्केट ने काफ़ी नीचे की तरफ अच्छा फॉल आपको दिखाया। और अगर 3 मिनट के चार्ट के ऊपर आप ट्रेड करते हैं तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ, अरे देखिए प्राइस एक्शन सीख लीजिए और कुछ नहीं है, आपको क्लैरिटी के साथ में पता लग गया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। ये देखेंगे यहाँ पर इसने एक बैरिश फ्लैग बनाया, ठीक है, ये एक बैरिश फ्लैग बनाया, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद में इसने एक और बैरिश फ्लैग बनाया। और आपको ये पता है कभी भी एक डाउन ट्रेंड या बुल ट्रेंड चलता है मार्केट एक नहीं दो फ्लैग इकट्ठे बनाता है, तो पहले इस फ्लैग का दूसरा इस फ्लैग का, दोनों का टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दिया बड़े आराम से, उसके बाद में प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने एक शानदार कप और ये हैंडल बनाया, इसका जो टारगेट था वो भी यहाँ तक पूरा का पूरा अचीव हुआ। उसके बाद में मार्केट ने एक ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया छोटा सा 3 मिनट के चार्ट के ऊपर, इसका ब्रेकडाउन दिया, इसको रीटेस्ट किया, और उसके बाद में इसका भी पूरा का पूरा टारगेट 100% इसने दिया। सो प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो चार्ट पैटर्न नंबर 1, चार्ट पैटर्न नंबर 2, चार्ट पैटर्न नंबर 3, चार्ट पैटर्न नंबर 4, टोटल आपको दिन में 4 बार जो भी प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, जिसने सीखा है और जो शांति से ठंडे दिमाग से काम ब्रेन को यूज़ करते हुए ट्रेड करता है, वो हमेशा ग्रीन के अंदर ही निकलता है। ये मिस किया तो कोई बात नहीं, ये कैप्चर किया होगा, कहीं ना कहीं तो आपको कैप्चर किया होगा। अगर आपने सीखा है तो आपने पैसा ज़रूर बनाया होगा बड़े आराम से। निफ्टी की मैं बात करूँ, निफ्टी ज़्यादा वीक थी और निफ्टी के अंदर भी फ्लैग कंस्ट्रक्शन हुए। यहाँ पर भी सेम अगर आपने किया होता, एक ये बना सर ये बना था तो यहाँ से निकला, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर उतनी क्लियर कंस्ट्रक्शन आपको इसकी नहीं दिखाई दी हेड एंड शोल्डर की, लेकिन यहाँ पर भी इसने दिया ये एक छोटा सा हेड शोल्डर, ये एक शोल्डर, ये इसने का ब्रेकआउट रीटेस्ट और पूरा का पूरा टारगेट दिया, तो अच्छा ओवरऑल दिन तो अच्छा निकला, सबका ग्रीन में निकला, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी देखने को मिले। अब क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो चलो एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले लेवल डिलीट कर दूंगा, लेवल दोबारा से बना लेंगे बैंक निफ्टी के भी और निफ्टी के भी, और सीधा चलेंगे डेली कैंडल के ऊपर जहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एनालिसिस हो रहा है। कल की हमारी वीकली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि वीकली कैंडल कहाँ बन रही है, ये एक स्पिनिंग टॉप तो नहीं बन रहा है या क्या हिसाब किताब है, वो भी समझ में आता है कि क्लोजिंग कहाँ पर आ रही है। अभी डेली की बात कर लेते हैं। मार्केट ने जो कैंडल का कंस्ट्रक्शन किया गाइस, दिस पर्टिकुलर कैंडल इज मोर लाइक अ शूटिंग स्टार व्हिच इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड लेट मी टेल यू दिस, डेली चार्ट जब भी शूटिंग स्टार बनता है वो एक बहुत पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इसके लिए इसका लो टूटना बहुत जरूरी है एक्टिवेट होने के लिए इस कैंडल को, तो इसका लो क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 41,160
41,000 इज द नंबर जहां पे ये टूटेगा, तो आपको जो सीधा का सीधा है 40,800 के लेवल की तरफ मार्केट जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से टेक्निकली जाती हुई दिखाई देगी। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करेंगे, बट वो आपके लिए शॉर्ट करने का जो लेवल रहेगा वही रहेगा। 45,000 की जो हमारी हीजर यूजर कॉल थी, मैंने सबको बुक करने के लिए बोला था, ज़्यादातर लोगों ने बुक भी किया है, और मैंने सबको बोला था हम एवरेज करने के लिए उसको बाई करेंगे। तो आज हमने वो बाई नहीं किया, लेकिन हाँ फ्राइडे आपको मार्केट देखते वक्त मौका शायद मिल सकता है। मैंने आपको बोला था कि अभी जो 180 के आसपास चल रही है, ये आपको 130 140 के पास दोबारा बाई करने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अभी तो ये 169 168 के आसपास क्लोज हुई है, और नीचे मिल सकती है बड़े आराम से, तो वहाँ पर बाई कर लेना अगर एंट्री नहीं मिली है तो, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग का एक और जो रीज़न था वो था गाइस पीसीआर जो ओवरसोल्ड ओवरबॉट था। अब जो पीसीआर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, इट इज़ 0.98 के आसपास है बैंक निफ्टी का पीसीआर, इट्स ऑल गुड टू गो। बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी की कैंडल देखेंगे विच इज़ अ बेरिश पेसिंग कैंडल, और दिस इज ऑल्सो नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न, और मार्केट इसके अंदर नीचे की तरफ दोबारा से आ सकती है। ठीक है, ये 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूँ, देखने की कोशिश कर रहा था, मार्केट ने एक पैटर्न बनाया था गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इसको फॉलो करने के लिए, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, इधर इसने सपोर्ट लिया, इधर इसने सपोर्ट लिया, और आज भी मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लेके मार्केट क्लोज की है प्राइमरीली। ठीक है, तो ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और ये चैनल जो है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है, मेरे ख्याल से 4 आवर पर चेक करते हैं, 4 आवर के नहीं बेसिकली 2 आवर्स पे होगा, ये 2 या 3 आवर्स पे, 2 आवर्स के ऊपर है, दो घंटे के चार्ट के ऊपर ये चार्ट जो है वो बन रहा है। और इसका जो इसको हम बोलते हैं गाइस राइजिंग वेज, दिस इज एक्चुअली अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक बट अ चार्ट पैटर्न। ठीक है, और इसके साथ में हम क्या देखते हैं, डाइवर्जेंस। तो अगर आप डाइवर्जन भी चेक कर लेते हैं कि क्या चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस है, क्या चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस है, तो चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस नहीं है। ठीक है, चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है डाइवर्जेंस। तो हो सकता है कि ये गलत हो, होना भी चाहिए कि गलत हो, क्योंकि हमारा जो ये जो पैटर्न हमने बनाया है यहाँ पर बेरिश डाइवर्जन, तो बेरिश डाइवर्जन तो नहीं है यहाँ पर, एक और जो पैटर्न हमने बनाया वो भी तो है ना भाई, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, वो कौन सा पैटर्न है, बहुत ही अटपटा सा है, लेकिन ये मार्केट वापस इस लेवल को तोड़ के निकलेगी तो काफी अच्छी बुलिश हो सकती है, लेकिन मार्केट फिर से वापस आ गई इसी इसी जोन को टेस्ट करने के लिए। तो हमारे लिए जो ये जोन है, ये जो एरिया है 17,800 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नंबर आपको बताता हूँ लेवल्स के हिसाब से, 17,780। अगर आपको कोई भी सेलिंग की पोजीशन बनानी है तो ओनली सेल बिलो दिस पर्टिकुलर नंबर, बिकॉज बिलो दिस ओनली निफ्टी विल बी वेरी वीक। इसके ऊपर जब तक है सेल के बारे में सोचो ना, ठीक है, मार्केट यहाँ से बाउंस डेफिनेटली कर सकती है। बैंक निफ्टी की अगर देखें, चलो उससे पहले आपको निफ्टी का और दिखा देता हूँ जो रीजन बना था आज कॉल का। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, ये देखो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हुआ था आपका डेथ क्रॉसओवर जिसकी वजह से बैरिश हुई है मार्केट। ठीक है, मार्केट ने 50 EMA को तोड़ा, रोलर कोस्टर एक्टिवेट हुआ, 200 का टारगेट आया, नीचे आया, 200 EMA को रिटेस्ट किया, वापस उसके नीचे आया, 50 EMA की रेजिस्टेंस यहाँ पर, 200 EMA की यहाँ पर आपने अगर बाय किया हुआ ये छोटे से 50 EMA टूटा, 200 टारगेट था वो भी 100% अचीव हुआ। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं करता हूँ तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिला। कल आपको यहाँ पर टूटी थी तो 50 EMA का टारगेट आया था, आज सुबह जैसे इसने 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दी, इमीजिएटली आपकी बाइंग बेसिकली पुट की बाइंग बनती थी, टारगेट था 200 EMA,
और निफ्टी पूरा दिन इस 200 ईएमए को झेलता रहा, इसी के ऊपर काम करता रहा, और उसने जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर ही दिए, विच इज काइंड ऑफ अ बुलिश। लेकिन ये दूसरे बड़े चार्ट पे अगर हम चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो देखेंगे तो इसने 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिए, तो इसके हिसाब से इसका 200 ईएमए का नीचे का टारगेट बनता है। लेकिन मैं आपको एक चीज साफ साफ कर दूं कि मार्केट ने अभी एक जोन बना लिया है, क्योंकि ये जो गैप डाउन हुआ था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशल गैप डाउन हुआ था। तो अभी ये जो जोन बन गई है, एक लोअर लेवल पे ये और हाई लेवल पे इसका स्विंग का हाई, ये दो नंबर्स हैं। कोई भी जो आपको बड़ा मोमेंटम है वो इस जोन के टूटने के बाद ही आने वाला है। तो बड़ी पोजीशन आपको बनानी है, बड़े लॉट्स आपको लेने हैं, तो लेना आपको 18,090 के ऊपर, और अगर सेलिंग करनी है तो 200 ईएमए के नीचे। इसको थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ, 200 ईएमए के नीचे 17,780 का नंबर जो मैंने आपको दिया था, ये ऊपर आ जाएगी तब तक, ठीक है। तो ये नंबर जो मैंने आपको दिया है, ये हवा में नहीं दिया है, कि दिस नंबर इज ऑल्सो फॉर 200 ईएमए का नंबर। जैसे ही 200 ईएमए आपकी चार्ट के ऊपर टूटती है, जो निफ्टी है वो और वीक हो जाएगा, और ट्रस्ट मी ये बैंक निफ्टी को भी ड्रैग करके नीचे की तरफ लाता हुआ आपको दिखाई देगा। सो चार्ट के ऊपर अगर आप लाइनें नहीं खींचते हो, ट्रेंड लाइन से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ईएमए लगा सकते हो 50 और 200, और उनको अपना बेस बना के भी ट्रेडिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको बहुत सारी लाइनें स्क्रीन के ऊपर लगानी है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जाननी बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में अभी 50 ईएमए का सपोर्ट यहाँ पर बाकी है, बट एनीवे इसको करते हैं बंद। और बैंक निफ्टी जो है बहुत ही, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी दोनों बड़े क्रूशल पॉइंट के ऊपर आके जो है वो बंद हुए हैं। वो क्यों बंद हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, बना के लगा लेते हैं यहाँ से, और हाई पे लेके चलते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट जो है इसने गोल्डन जोन के बिल्कुल आसपास ही क्लोजिंग दी है, ऐसा नहीं कि आसपास, थोड़ा सा करेक्ट। ठीक है, तो इसने अगर ये गोल्डन जोन तोड़ देता तो भाई हम भारी गिरावट के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी ने एक्यूरेट ये लो स्विंग, ये हाई स्विंग, अभी बैंक निफ्टी के पास स्कोप है और नीचे की तरफ गिरने का, गिर सकती है मार्केट यहाँ तक, गोल्डन जोन तक के गिरने का इसके पास पूरा पूरा स्कोप है। तो एक बार कर देते हैं डिलीट, और देखते हैं कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या रहना है। गाइस आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख पा रहे हो, बना भी पा रहे हो, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गई, वापस नीचे आई, पुष्पा पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ रही है। अभी जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल बेस लाइन के ऊपर हुई है, जो जो उसकी नॉच भी है। अगर इन केस यहाँ पर आपको कोई भी 30 मिनट्स, बेसिकली 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर है, मैं तो दिखा देता हूँ, 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर एम बन रहा है, 30 मिनट्स के नीचे आपको कोई भी कैंडल इस पर्टिकुलर जोन के नीचे दिखाई देती है, आपकी लाइन बन गई। पर क्या है, 41163 इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है आपको, तो ये आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। आपका जो टारगेट होगा ये स्विंग हाई होगा सबसे पहले, उसके नीचे का जो टारगेट होगा गाइस वो होगा ये जोन, और लास्ट में ये जो आपका गैप हुआ है ये वाला जोन, आपके नीचे के टारगेट इमीजिएटली आपको एक के बाद एक अचीव होते हुए दिखाई देंगे। 40,899, उसके नीचे 40,519, और उसके नीचे आपको 40,279 के टारगेट नीचे की तरफ आने को दिख सकते हैं। नाउ ये जो पैटर्न बना है ये रिवर्स कब हो सकता है, ओनली एंड ओनली जब आपका, अगर अभी एक लाइन खींचते हैं यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगता है, इस लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है और आपका ये लेवल तोड़ता है, इस स्विंग का हाई तोड़ता है। ये नंबर क्या है, 41,535, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं एक इंट्राडे के लिए। आपका जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो होगा 41,838 का, और इसके ऊपर के टारगेट मैं आपको निकाल देता हूँ। ये आपके ऊपर के लेवल हो जाएंगे 42,130, 42,400, 42,730 के लेवल ऊपर की तरफ आपको निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो
ये रहेंगे आपके कल के लिए, फ्राइडे के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी की बात कर लें, किस लेवल, किन लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसको करते हैं डिलीट। मार्केट में जो बहुत कोताहुल हो रहा है, वही एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है ना, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ना ब्रेक डाउन दे दिया है इसमें, क्या कहें आप। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, उसी के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है इसी के ऊपर, एक दो तीन चार, चार चार बार इसने किया, और अब की डेट में इसका जो लो है, जहां से गैप डाउन हुआ था और यहां से मार्केट शुरू हुई थी, यही इसका करता धरता वाला हिसाब किताब रहेगा। सेलिंग जो करनी है हमें 17,780 या 75 के लेवल के नीचे ही आपको एक सेल की पोजीशन बनानी है। सबसे पहला आपका जो टारगेट होगा वो होगा आपका गैप 17,644, उसके नीचे का आपका टारगेट होगा ये स्विंग का नंबर है 17,480, ठीक है। और ये नीचे एक बड़ी रैली के लिए तैयार रहेगा, ये वाला गैप भी भरता हुआ दिखाई देगा आपको, नंबर आएगा 17,330। ऑफिशियली अगर 17,400 के नीचे आपको कोई भी डेली क्लोजिंग मिल जाती है ना भाई, प्लीज एग्जिट ऑल द लॉन्ग पोजीशंस। अगर 17,400 के नीचे निफ्टी कोई भी डेली कैंडल क्लोज कर देती है तो भाई बेयर्स आर इन द हाउस, ठीक है, बेयर आर इन द हाउस। और 17,400 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग, आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन जो आपने बना रखी है, चाहे वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी हो, उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। 17,400 के नीचे डोंट इवन थिंक अबाउट होल्डिंग योर लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है। दैट्स अ करो और मरो का लेवल, लक्ष्मण रेखा मान के चल सकते हो। बाइंग की अगर हम बात करें, कहाँ बाइंग कर सकते हैं, आपका ये जो स्विंग है ये, इसके हाई के ऊपर आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं 17,973 के ऊपर। आपका जो पहला टारगेट रहेगा ये रहेगा बहुत ही क्रूशियल नंबर, इसको हम करेंगे एक पर एक गोल्डन लाइन, ठीक है। ये इस लाइन के ऊपर लॉन्ग जा सकते हो, कोई भी डेली कैंडल की क्लोज आती है आपको, ठीक है, 18,080-90 के लेवल के ऊपर कोई भी डेली कैंडल की क्लोज मिल जाती है, या एक वीकली कैंडल मिल जाती है, दो डेली मिल जाती है, लॉन्ग जाना है भाई, सीधा लॉन्ग जाना है। सोचना भी नहीं है कि क्यों नहीं जाना है, लॉन्ग जाएंगे बाकायदा। और इसके टारगेट क्या होंगे ऊपर के, के ऊपर भी ले देंगे तो उतना ऊपर मार्केट अभी तो फिलहाल नहीं जाने वाला यात्रा ऊपर की, इसको रखेंगे 18,246 का आपका लेवल रहेगा, 18,343 का लेवल रहेगा, और साथ के साथ रहेगा 18,482 का लेवल। ये लेवल रहेंगे निफ्टी के कल के लिए ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। और एज़ पर द सेटअप कल मार्केट जो रहने वाली है, प्रीमियम ईटिंग डे है कल का दिन, साइडवेज रहने वाले के ज़्यादा चांसेस हैं। मार्केट जिसने जो जूस निकालना था वेडनेसडे को, वो 1100-1200 पॉइंट का रैली देके एक ही दिन में सारा काम कर दिया है। थर्सडे का मार्केट भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मूव लेस था, इसके अंदर कोई खास बड़े मूव नहीं थे, कुछ चार सेटअप जरूर मिले आपको, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद मिले। और कल का दिन इससे ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज ट्रेड करें, जब डाउट हो तो छोड़ सकते हैं। सेटअप के हिसाब से कल का दिन भी साइडवेज बता रहा है। बाकी जो दामोदार है वो मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ही रहेगा, और क्योंकि डाउ ने बहुत ही गंदी क्लोजिंग दी थी तो मार्केट आज रेड रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी डेटा कैसा आता है वो देखेंगे रात को, कि डेटा क्या बोल रहा है, किस तरीके से लेवल बना रहा है, ठीक है। तो एक लास्ट इंफॉर्मेशन गाइज, हमारी जो वर्कशॉप हो रही है ट्रेडिंग विद तरुण की, ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप विच इज हैपनिंग ऑन 18th of September, आज उसका लास्ट दिन है रजिस्ट्रेशन का। इफ इन केस यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, यू कैन गो अहेड एंड रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी एप्लीकेशन के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। आज के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे और ये दिस वर्कशॉप माइट नॉट बी अवेलेबल इन द सेम प्राइस एज अ सेट,
दोज पीपल हु वांट टू लर्न द आर्ट, सारी चीजें सीखना चाहते हैं स्ट्रेटजीज के साथ में, और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, सिर्फ वो ही लोग एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल टी तरुण शर्मा जो उसके ऊपर मैसेज करके सीट को बुक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।